चैप्टर टू इज डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर टू इज फाइंड डिवाइड बाय डी ऑफ एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल पार्ट वन इज अंडर रूट एक्स प्लस टू। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के फोर स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टेप वन इज कि जो कि हमें जो क्वेश्चन हमें गिवन होता है फंक्शन उसे हमें वाई के इक्वल सपोज करना होता है। वाई इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस टू, जहाँ y है वहाँ डेल ऑफ y ऐड करना है, जहाँ x है वहाँ डेल ऑफ x ऐड करना है। ये हमारे पास स्टेप टू है। हमने यहाँ पे ऐड कर लिया डेल ऑफ जो चेंज हमें वो लेफ्ट साइड पे ही रखना है और y को राइट साइड पे ले जाएंगे, माइनस y हो जाएगा। y की वैल्यू हमने पुट कर दी विच इज x प्लस टू अंडर रूट टू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसके अंडर रूट आने सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने के लिए ये हम टर्म एज इट इज लिखते हैं, x प्लस डेल ऑफ x प्लस टू माइनस अंडर रूट एक्स प्लस टू। इसको जो टर्म हमें गिवन होती है उसी टर्म को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है साइन चेंज करके। अब यहाँ पे साइन नेगेटिव है, हमें यहाँ पे पॉजिटिव लगाना होगा और डिवाइड में हमें यहाँ पे कुछ नहीं तो वन लिखना होगा। यहाँ पे इस टर्म का नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव लगा के इसको डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस टू प्लस ये टर्म है एक्स प्लस टू ओवर एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू। अब जो ऊपर वाली टर्म्स हैं हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो हम इस फार्मूले से ये वाला ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस टू का स्क्वेयर मतलब ए का स्क्वेयर माइनस दूसरा हमारा टर्म है एक्स प्लस टू का स्क्वेयर ओवर नीचे हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू है एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू। ये स्क्वेयर है अंडर रूट से कट जाएगा, ये से कट जाएगा। यहाँ डेल ऑफ वाई है, डेल ऑफ वाई विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस टू माइनस टर्म इसे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस टू ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल प्लस टू माइनस टू से कैंसिल, ऊपर क्या रह जाएगा जस्ट डेल ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टू। यहाँ बस आ गया डेल ऑफ वाई। अभी हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं तो हम इसका स्टेप थ्री फॉलो करेंगे। स्टेप थ्री इज कि डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो हम स्टेप थ्री देखते हैं, डेल ऑफ वाई ओवर डेल ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेल ऑफ एक्स यहीं से राइट साइड पर भी डेल ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे अंडर रूट एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टू। ये डेल ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जस्ट ये टर्म रह जाएगी डेल ऑफ वाई ओवर डेल ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टू। लास्ट स्टेप हमने करना है, स्टेप फोर इज कि लिमिट अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। अप्लाइंग लिमिट on both sides, limit del of x approaches to 0, del of y over del of x equals to limit del of x approaches to 0, और हमने ये टर्म लिख देनी है यहाँ पे 1 by under root x plus del of x plus 2 plus under root x plus 2. अब हमने del of x को 0 अप्रोच करना है, जहाँ पे del of x होगा वहाँ पे 0 लगाएंगे, वन ओवर एक्स प्लस यहाँ डेल ऑफ एक्स है जीरो ऐड हो जाएगा प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू। तो ये क्या टर्म बन जाएगी, वन ओवर अंडर रूट एक्स प्लस टू प्लस यहाँ पे हमारे पास वन ओवर अंडर रूट एक्स प्लस टू है प्लस वन ओवर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टू। तो ये हमारे पास सेम है बिल्कुल, तो ये टू आ जाएगा टू टाइम्स एक्स प्लस टू विच इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सेट। और यहाँ पर हमारे पास ये बन जाता है डेरिवेटिव dy बाई डी ऑफ एक्स। हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से।